मैसेज से कुछ सीख लो अब, वो मैसेज बहुत जरूरी है। आप लोगों का रिकॉर्ड अब हर मंथ भेजा जाएगा, नवंबर में आपके एग्जाम होंगे हाफ सिलेबस का, हाँ, और उसके बाद फिर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सिचुएशन भी डिपेंड करेगी, इसलिए आप पूरे तरीके से प्रिपेयर रहें कि क्या होगा आगे, ठीक है। आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड, आप लोगों का पूरा टेस्ट रिकॉर्ड सब यूनिट वाइज वो हमसे मंगा सकते हैं, मंगाएंगे, ये मैसेज आ चुका है बच्चों, इसलिए बी रेगुलर बी अटेंटिव। सीरियस हो जाओ, मजाक मत लो कि क्लासेज है बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं है बच्चों, क्लास स्कूल भी खुलेंगे तो सिलेबस जहाँ से लाइव में खत्म होगा उससे आगे शुरू होगा। रिवीजन एक सेकंड बात है, सी रिवीजन तो बच्चों बाद की बात है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो बेसिक कर लिया जाए ना। देखो टाइम मिला तो हम तो आपको फुल टाइम देंगे, हम आप लोगों को पूरा करवाएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से जितना हो रहा उतना तो बेटा करते रहिए, बिल्कुल ऐसे मत, ये नॉन सीरियस, ठीक है। हाँ ये देखो आज भी 25 ही स्टूडेंट अभी तक आए हैं और बाकी अभी से सो रहे हैं, मतलब जब तक उनके पेरेंट्स को डांट फटकार नहीं लगाई जाए अच्छे से, उनको दो चार को कल फोन करा तो आज ठीक है, कल फिर वो याद हो जाते हैं। ये ध्यान रखो फिर मैं आगे, मेरे को मत कहना कि मैडम आपने हमारे नंबर कम दिए, मैं नंबर उसी बच्चे को दूंगी जो मेरी क्लास में रेगुलर है और जो मुझे रेगुलर होमवर्क सेंड करता है, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अपने सीनियर से पूछ लेना जो किसी के हो, मैं नहीं देती फिर उस बच्चे को। अब देखिए आगे, आपके स्क्रीन पे सामने दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दोनों ही क्वेश्चन में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों को निकालना है, हेड पेन रख दिया मैंने, निकाल दिया ये रहा, ठीक है। हाँ कैसे निकालेंगे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सब मुझे। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करेंगे आप मुझे, आंसर बताएंगे कैसे करेंगे। 113 1 by 35 सेट, ठीक है साहिल बेटा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था पिछले साल सी सेक्शन में, ये नहीं पता कब आया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कब आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बच्चा एक छोटे से समझ कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको, क्या बेटा देखो ध्यान से, ये वन ओम है ये थ्री ओम है, यहाँ से बच्चों मान लिया आई करंट आया बैटरी से, ठीक है, तो इधर चला गया बच्चों आई वन और इधर चला गया बच्चों आपका आई टू करंट, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है तो बच्चों इन दोनों में से तो आई टू करंट ही फ्लो कर रहा है। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे एक वायर है, कंडक्टर है बच्चों, तो ये इन दोनों रेजिस्टेंस में से यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस फॉलो द लो रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है बच्चों, इसलिए ए 4 ओम और 8 ओम रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों, याद रखना, बिकॉज रेजिस्टेंस फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, तो जब ये आई टू करंट आएगा बेटा ऊपर से तो ये 4 ओम और 8 ओम रेजिस्टेंस में से नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो बच्चों नहीं करेगा, क्यों नहीं फ्लो करेगा बेटा, बिकॉज रेजिस्टेंस करंट फ्लो द लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट कहां से फ्लो करता है बच्चों, लो रेजिस्टेंस पाथ से करंट क्या करता है बच्चों, फ्लो करता है आपका, ठीक है। हाँ तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा आपके पास, ये आपका बच्चों ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये है बच्चों 3 ओम आपका, ठीक है। ये ए रेजिस्टेंस है बेटा और ये आपका बी रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, अब देखो आप बिल्कुल सीधा है, ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए,
3 ओम और ये बना बेटा आपका 6 और 2 8 ओम, ठीक है। हाँ मैं निकालती हूँ, अभी मेरे को नहीं पता लगभग आपका रेशियो में ठीक था साइल कितना है। हाँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका, ये दोनों आप पैरेलल में बच्चों पैरेलल में है तो 8 क्रॉस 3 8 प्लस 3 तो आया 24/11। इतना नोट करो एक बार जल्दी से, अब सॉल्व करके आप लोगों को बता दो कि अब तो इजी बन गया। बस मुझे तो यही समझाना था कि बेचा 4 ओम और 8 ओम में से करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज करंट फ्लो द लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट किसको फॉलो करता है? लो रेजिस्टेंस पाथ को बच्चों फॉलो करता है आपका। नहीं 8 और 4 नहीं लिया बेटा मैंने, नहीं लिया साहिल। ये देखो ये बना है 3 और 3 6 और 2 8, ये तीनों देखो ये तो एक सिंपल वायर है ना साहिल, तो 3 3 6 और 2 8 ये सीरीज में 8 ओम बन गया, ये 3 ओम है बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, अब एक हटा दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। अब देखो मैं इसको हटा रही हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास यहां से, ये 1 ओम और ये बना बेटा आपका, ये ए और ये बी आपका, ये बना बेटा आपका 24/11 ओम, ठीक है। हाँ तो ये बनेगा बेटा आपका, ये दोनों फिर सीरीज में बेटा, तो ये बना सीरीज में आर एस बराबर आर ए बी 1 प्लस में 24/11 एलसीएम 11 प्लस 24 35/11 आ जाएगा साहिल आपका बेटा, यही आया था साहिल तेरा सर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट ही समझना था, ये बच्चे जो अभी आए हैं ये ध्यान से सुन लो, आप लोग मेरे स्टेटस पे देख लेना। देखो बेटा यहां से अभी बताती हूँ साहिल, अगर इसको नोट करना सर्किट दोबारा से बनाती हूँ, ये ध्यान रखना बच्चों, ये मेरी स्टेटस पे देख लेना सरकार की क्या गाइडलाइन आई हुई है, हर टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे आगे जाएंगे और जिस बच्चे की रेगुलर अटेंडेंस होगी जो मुझे रेगुलर होमवर्क भेजेगा मैं उसी बच्चे को नंबर दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी, ये ध्यान रखना इस बात को। जो रेगुलर कोई पार्शियलिटी नहीं है मेरे लिए, सारे बच्चे बराबर है, मैं किसी साथ क्यों पार्शियलिटी करूंगी बेटा, मैं मेरे लिए तो सारे, खुशी भी ऐसी है, नमन भी ऐसा है, साहिल भी ऐसा ही है, निहारिका भी ऐसी, मैं सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चा रेगुलर काम करेगा वो हकदार है उस चीज का, मेरे तो सारे अपने ही हो तुम, मेरे लिए कोई पराया नहीं है कोई अपना नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। देखो साहिल मैं बता रही हूँ बेटेगा स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब देखो फिर से बता रही हूँ साहिल, क्वेश्चन ये था बेटा आपका, ये आपके पास है ऐसे सर्किट गिवन था साहिल, ठीक है, और ये आपका एक ऐसे करके ये लगा रखा था, ठीक है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, कुछ ऐसे दे रखा था ना मैंने। हाँ ऐसा ही लिखा है मैंने, तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भेजा स्टेटस पे, देख ध्यान से पढ़ तू, नवंबर में एग्जाम होंगे, हाँ एग्जाम पैटर्न तो उसका कुछ बेस भी होगा, अटेंडेंस होमवर्क कुछ तो दिखाऊंगी तुम्हारे रिकॉर्ड में, या ऐसे भेज दू, टेस्ट तो मैटर करते ही है बेटा, अपना बी अटेंटिव कुछ भी मांग सकते क्योंकि अब उन्हें बेस चाहिए बच्चों का, अभी तो स्ट्रेटेजी बन रही है, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले बताई थी कि बेटा ऐसे स्ट्रेटेजी बन रही है, अब आ गई ना कल ही अखबार में, अब मैं फिर कह रही हूँ ये ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड सब मैटर करेगा बेटा, इसलिए बी अटेंटिव सीरियस, अपने ईमानदारी से अपना काम करो और होमवर्क करो अपना, किसी की क्यों किसी पे डिपेंड रहना,
तुम ऐसा क्यों सोचोगे फिर तुम मेरे ऊपर अप्रोच भेजो किसी की कि मैडम मेरे नंबर लगा दो, वो कर दो। तुम खुद इतनी कैपेबिलिटी रखो ना मैडम के मन में, खुद इतनी जगह हो कि तुम्हारे नंबर वो खुद लगाए कि वो बच्चा बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये साहिल बेटा 8 ओम था, ये आपका 4 ओम था। साहिल देखो कैसे देखेंगे बेटा, यहाँ से आई करंट आया, मैंने कहा यहाँ मान लिया I1 चला गया, यहाँ I2 आया, तो देखो ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से तो I2 आ रहा बेटा। ठीक है साहिल, अब देखिए यहाँ से साहिल, जब यहाँ करंट I2 आया बेटा, हाँ तो देखो ये तो ये एक वायर कंडक्टर है बेटा, और अगर मान लिया तूने ये तोड़ा तो इसका मतलब करंट इधर भी गया और यहाँ उसको क्या मिला, उस करंट को 8 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ मिला 4 ओम का। अब मैं तेरी बात करती हूँ, तू स्कूटी लेके जा रहा है, देख तू अपने आप को मान साहिल, साहिल तू अपने आप को मान कि तेरे पास, तू यहाँ से स्कूटी लेके आया ठीक है, तेरे पास ये स्मूथ रोड था, यहाँ पे स्मूथ रोड था, यहाँ बिल्कुल स्मूथ रोड था तेरे सामने बिल्कुल सीधा सीधा, और एक अगर तू इधर से जाता है टर्न करके तो यहाँ गड्ढे भरे हुए गड्ढे हैं, एक बार स्कूटी नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, और अगर आप यहाँ से जाते हो साइड तो यहाँ पे पत्थर पड़े हुए रोड़ियां पड़ी हुई है, तो तू कौन से पाथ को फॉलो करेगा, तू इस पाथ को फॉलो करेगा ना, तू इधर जाना ही नहीं चाहेगा, तो तेरे पास दिख रहा है कि सीधा सीधा, तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं साइड, करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट पता है बेटा हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है साहिल, करंट ये याद रखना साहिल, करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसकी दो तीन क्राइटेरिया में करूंगी मैं इसको, फोल्डिंग स्प्लिटिंग में भी आएगा, अभी आपके पास बिल्कुल बेसिक से आया हुआ है ये बी पॉइंट, ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है, ये हर एक रेजिस्टेंस आर है, हर एक रेजिस्टेंस आपके पास ये आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बच्चों ए और बी के बीच में क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन के तीन सिचुएशन है बच्चों, एक अभी करवा रही हूँ, दो फोल्डिंग सिमेट्री में करवाऊंगी कल वाले लेक्चर में, आज वाले में तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे फोल्डिंग में। ठीक है, हाँ पहले इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ए और बी के बीच में निकालना है बच्चों आपके पास, मान लिया यहाँ पे आपके पास V पोटेंशियल है, मान लिया कि आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, V है, तो देखो ये एक सीधी वायर है, ये यहाँ पे एक सीधी वायर है, तो यहाँ भी कितना होगा बच्चों, V होगा। आज पोटेंशियल मेथड कल बताया था मैंने आप लोगों को, पोटेंशियल से हमने कैपेसिटर में भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, पोटेंशियल देख लो कम से कम कहीं पे, ये बच्चों यहाँ पे ए और बी के बीच में निकालना, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दी बेटा मैंने, तो ये बी पोटेंशियल पे, तो बी पॉइंट कितने पे आ गया बेटा, जीरो पे आ गया, ये जीरो है तो बेटा ये एक सीधी सीधी वायर है यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी कितनी पोटेंशियल पे हो जाएगा बच्चों, जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब देखो अब आगे गए बच्चों, ये V पोटेंशियल जब आगे गया तो यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिला, और इस रेजिस्टेंस ने कुछ V में से कुछ पोटेंशियल खा लिया, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी बेटा, मान लिया 20 वोल्ट थी, मान लिया 4 वोल्ट इस रेजिस्टेंस ने खा ली, ड्रॉप हो जाना उसके, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। देखो पोटेंशियल क्या है बच्चों, एक एनर्जी, देखो समझो इस चीज को, बेसिकली समझो ना टॉमस, पोटेंशियल क्या है, एनर्जी, हमने क्या पढ़ा पोटेंशियल की डेफिनेशन, इनफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ा, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बच्चों। ठीक है, हाँ अब देखो जब रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन रुका हुआ, जब तुम आगे बढ़े तो तुम्हें गड्ढे मिले, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी वर्क खर्च करनी पड़ी, तुम्हें स्कूटी स्मूथ रोड पे स्कूटी चलाने में एनर्जी कम लगेगी आपकी, लेकिन आप गड्ढे में चलाएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी,
तो जो कुछ पोटेंशियल थी बैटरी की उसने कुछ गड्ढे में ज्यादा खा ली, ऑब्स्ट्रक्शन, उसने कुछ एनर्जी खा ली, तो मान लिया बच्चों यहाँ पे एक्स एनर्जी पहुंच गई। जब यहाँ स्कूटी पहुंची तो एक्स एनर्जी से पहुंची गड्ढे को पार करती हुई, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक्स है, ये सीधी सीधी वायर है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितनी आ गई बेटा, एक्स आ गई। यहाँ पे भी पोटेंशियल कितनी आ गई बच्चों, एक्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। हाँ आई थिंक साइड इतना ही आएगा, बाकी सोल्व करते हैं। तो देखो अब आपके पास कितने पोटेंशियल है। देखो वैसे तो तुम देखो सीरीज पैरेलल, तो इस क्वेश्चन को कभी सोल्व नहीं कर सकते। अगर तुम इन क्वेश्चनों को सीधा सीधा देखो तो तुम सीरीज पैरेलल कभी सोल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पोटेंशियल मेथड ही मैंने बताया था, कैपेसिटर में भी पोटेंशियल मेथड अपना लो, जहां कुछ ना समझ आए एकदम से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन वहां पे, ठीक है। तो आपके पास तीन पोटेंशियल है, वी जीरो और एक्स पोटेंशियल। अब आपके पास कितने पोटेंशियल है, वी जीरो और एक्स। तो देखो ये रहा ए पॉइंट जो कि वी पोटेंशियल पे है, ये रहा बी पॉइंट जो कि जीरो पोटेंशियल पर है, और ये एक्स कहीं बीच में मान लो बच्चों। अब देखो कैसे कैसे वी कनेक्टेड, ये देखो ये मान लो यहां पे देख लो पहले, वी और ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ये रहा वी और ये रहा बच्चों ओ, तो वी और ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। हाँ हाँ अब देखो ये रहा एक V और O, तो ये V और O के बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, R R बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से देखो ये भी आ गया आपका यूज में, ये भी आ गया, ये V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये रहा बच्चों V और ये रहा बेटा X, ये रहा V और X के बीच में, ये फिर देखो बच्चों V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा V और ये रहा बच्चों X। ये सब मैंने R ही माने हुए, कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपकी। अब यहां देखो ये X और जीरो के बीच में ये एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ये वाला, तो ये रहा X और ये रहा जीरो, तो इसके बीच में एक ये रेजिस्टेंस है बेटा। अब कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, X और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस बच्चों ये है, तो X और जीरो के बीच में बेटा एक रेजिस्टेंस आपका ये आ गया। अब सर्किट इजी है, आई थिंक आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब क्या करना, देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या बन जाएगा, ये R क्रॉस R, R प्लस R, ये R by 2 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा R by 2। सर्किट को सॉल्व कर लो, ये आपके पास बना बच्चों R by 2, ये भी R by 2, और ये रहा बच्चों आपके पास R R, तो R by 2 R by 2 सीरीज में क्या बन जाएगा बेटा आपका R बन जाएगा। निशान दया इज प्रेजेंट हियर, तो ये बना बेटा आपका R, निशान दया, ये बना बेटा आपका R। अब ये तीनों किसमें है बच्चों, पैरेलल में, ये तीनों किसमें है बेटा आपका पैरेलल में बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा R by 3। अरे क्या करोगे, R P को क्या लिखोगे, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, कितना आ गया 3 by R। साहिल आपका ठीक था, 3 R by 2 किसने लिखा था बेटा, शायद निहारिका ने लिखा था ना, निहारिका, निहारिका 3 R by 2 नहीं बेटा, R by 3 आएगा निहारिका। हाँ नोट करो, आप देखो इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में जब फोल्डिंग सिमेट्री में करूंगी, अब इसको देखो यहां तो इजी था, लेकिन हो सकता बच्चों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाए, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लग जाए, तो अब मैं इस मेथड से सॉल्व करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो वहां पे हम क्या लिख रहा है साहिल तुम। हाँ तो ये बन जाएगा हर्ष को, अच्छा हर्ष ने भेजा था क्या ये, नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा, आया तो था, किसका आया था ये ध्यान नहीं रहा। अब सुनो, अच्छा ठीक है ठीक है, अब यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो बेटा फिर नहीं कर सकते, वहां पे हमें फोल्डिंग सिमेट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप इसी क्वेश्चन को करिए, फिर फोल्डिंग सिमेट्री में हम इसको करेंगे। अभी यहाँ पे एक सिम
सिंपल कंडक्टिंग वायर है बच्चों, ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को, समझ आ गया सबको इतना, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट आपका एक जेई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है वो, हाँ वो क्वेश्चन हटा दो इसको, मैं कर लिया नोट, ये दोनों क्वेश्चन सब बच्चों को समझ आ गए, वेरी गुड। इसिका, रजत, कृतिका, पल्लवी, नेहाल, निशांत, दैया, अजीत खटाना, हर्ष, निकिता, ठीक है, तेजस्वनी, दीपांशी इज प्रेजेंट हियर, दीपांशी। आगे देखो यहां से, नमल मित्तल तो बीच बीच में मुझे मीठी गोलियां देता है ना, तो मुझे नहीं तो अपने आप को दे रहा है बेटा, ये कल बीच में चला गया फिर आ गया लास्ट में, मेरे को ध्यान रहता है अब किसका मैसेज नहीं आ रहा तो मुझे पता लग जाता है कौन सा चला गया और कौन सा आ गया। तुम्हें ये लगता होगा मैडम तो पढ़ा रही, मैडम को क्या पता, मेरे पास पूरा फोन में रिकॉर्ड रहता है कौन सा बच्चा कब का मैसेज दे रहा है मुझे। ध्यान रखा कर नमन इस बात का, बी रेगुलर। हाँ अब देखो यहाँ पे, देखो जेई 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बना रही हूँ क्वेश्चन का सर्किट, देखो नोट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट लगना है इस क्वेश्चन में आप लोगों का। ये 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 2, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये एक कैपेसिटर लगा रखा आपको सी। क्वेश्चन ने पूछा है बच्चों आपसे आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ईएमएफ 10 वोल्ट है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट फुली चार्ज, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कैपेसिटर व्हेन इट फुली चार्ज्ड। आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है उस सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे बताएंगे आप मुझे, रिस्पांस देंगे इस बात का, एक बार आप सभी मुझे रिस्पांस देंगे इसके लिए, बताइए। साहिल, हर्ष, खुशी गोयल, निहारिका, अंशु, दीपक, हिमांशु, चंदेला, प्रशांत, विनीत, जेठालाल जी, बताइए बच्चों, संदीप खटाना, अंशु, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्रा, यादवेंद्र, रजत, बताइए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तेजस्विनी, महेश, कोमल, यादव, बताओ आप आंसर कमेंट करो। आ गया नहीं आया, चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको कैपेसिटर की कंडीशंस बताई थी कि जब आपके पास ये कैपेसिटर था और ये आपके पास रेजिस्टेंस था, मैंने 3 कंडीशन समझाई थी आप लोगों को। ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट t = 0 टाइम, मैंने
ऑप्शन है t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू t टाइम, t इज इक्वल टू इंफिनिटी टाइम। ठीक है, हाँ तो वहां क्या बताया था मैंने, अब बता रही हूँ साइड देखो, तो मैंने बताया था t 0 पर ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। t 0 टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो करंट v = ir, तो i हो जाएगा बच्चों आपके पास q / c, सॉरी v / r, कि सारा का सारा जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे इस सर्किट में से फ्लो करेगा और कैपेसिटर को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। इस सिचुएशन में ये सर्किट मॉडिफाई होके कुछ ऐसे बन जाएगा आपके पास। अरे कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ही ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस टी जीरो टाइम पर कोई चार्जिंग नहीं है तो कैसे बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। टी इज इक्वल टू टी टाइम पर आई क्या होता है बच्चों, वी बाई आर। तो देखो इसके अक्रॉस मान लिया चार्ज हो गया टी टाइम पर, तो इस नहीं ओपन सर्किट नेक्स्ट में करेंगे साहिल, ध्यान समझो रटो मत। देखो टी जीरो पर सर्किट, देखो साहिल समझ बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कैपेसिटर, देखो कोई पोटेंशियल नहीं खाता, कोई एनर्जी इजीली इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो कर जाते हैं, कंडक्टर में, तो कैपेसिटर को एक कंडक्टर की तरह रिप्लेस कर देंगे, ये वाला सर्किट बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। मैंने क्या लिखवाया था वहां पे आपको, शॉर्ट सर्किट लिखवाया था। और t = t टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस, देखो अब इसके अक्रॉस कोई चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटर कुछ चार्ज हो जाएगा बेटा वहां पे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा q / c, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस v - q / c / r आ जाएगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, v - q / c r। और t = इंफिनिटी टाइम पर बच्चों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, t = t टाइम पर कैपेसिटर क्या हो गया बच्चों, फुल्ली चार्ज हो गया, तो सिचुएशन में q बराबर हो जाएगा बच्चों cv के, तो करंट i हो जाएगा v - q की वैल्यू cv / c / r, तो करंट i क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। उस सिचुएशन में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट i कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा। करंट आई कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में अब ये देखो इस कैपेसिटर स्टेडी स्टेट, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, क्या बोलेंगे इसको, स्टेडी स्टेट। तो उस सिचुएशन में ये यहां से ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। आप कहेंगे साहिल ओपन सर्किट, तो मैंने वहां पे भी याद करवाया था पर छुट्टियां आ गई तो बीच में भूल गए होंगे तुम सारे, हाँ इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट करी ये बात। तो एक कंडीशन याद रखो, t 0 पर सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा अगर, हाँ हाँ हाँ, t 0 पर नहीं 10 भी नहीं आएगा आंसर, तो कुछ और आएगा बेटा 8 वोल्ट आएगा सही, हाँ तो t 0 पर सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, t 0 पर शॉर्ट सर्किट की तरह है, और t = t पर करंट i क्या हो जाएगा, q - v - q / c / r। जनरली डायरेक्ट ये लिखी रहती है बुक्स में, अब बुक में ये नहीं समझा रखा आप लोगों को, हर्ष दोबारा बता दूं, बताती हूँ देखो, हर्ष ये मैं समझा चुकी हूँ वैसे पहले, देख फिर से देख, देखो यहां से दोबारा से देखो, देखो एक बार यहां से देखो, ये कैपेसिटर है हर्ष आपके पास, मैंने आपको ये आरसी सर्किट समझाया था आपको, हाँ मेरे पास से सही चल रहा है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ बस, ये याद करो पीछे वाले सर्किट में, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है हर्ष, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है वी वोल्ट की, हाँ नमन देखो बेटा ये आर रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है सी। अब मैं बात कर रही हूँ इनिशियली टी जीरो टाइम की हर्ष, T0 मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों Q / C, तो जब चार्ज 0 है तो इस सिचुएशन में T0 पर V बराबर Q / C, तो Q 0 है बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस 0 हो गया। देख हर्ष यहां पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल
तरह बिहेव करेगा, तो इसको शॉर्ट सर्किट कहेंगे इस सिचुएशन में। तो इस सर्किट इस सिचुएशन में सर्किट कैसे ट्रीट करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, इस कैपेसिटर को हटा देंगे और एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे। फिर मैंने क्या बताया, हर स्टेज इक्वल्स टू टी टाइम पर, तो करंट आई क्या होता है बेटा, वी बाई आर, तो वी बाई आर, तो आई, अब यहाँ पे नेट पोटेंशियल देखो, टी टाइम पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ चार्ज हो गया, टी टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज आ गया, माने आफ्टर वन सेकेंड कुछ चार्ज आ गया, तो वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये वी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन में आर, ठीक है। अब बात करते हैं टी इज इक्वल टू इनफिनिटी टाइम, इनफिनिटी टाइम मतलब बेटा कि अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज मतलब यहां भी पोटेंशियल है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी होगी बच्चों, वी होगी। तो अब मैं अगर इन जनरल इस केस की बात करूं, वी माइनस क्यू, तो क्यू बराबर सीवी हो गया उस सिचुएशन में, इस फॉर्मूले से अगर बात करते हो तो वी माइनस सीवी बाई सी अपॉन में आर, सी से सी कैंसिल तो बराबर जीरो, क्या आ गया अब आपका जीरो, मतलब कि अब इस सिचुएशन में इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ऊपर लिख दो यहाँ पे, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये आपके पास एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आपको क्या याद रखना है, टी जीरो पर सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आरसी सर्किट, और टी इंफिनिटी पर ये कैसे ट्रीट करेगा, ओपन सर्किट। इसको बुक में लिखा मिलेगा स्टडी स्टेट, बुक में क्या लिखा मिलेगा, स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव एज ए, देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस द कैपेसिटर, बुक में ये डायरेक्ट लाइन लिखी मिलेगी कि इन द स्टडी स्टेट देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस द कैपेसिटर। हाँ क्लियर, ये याद नहीं था आप लोगों को, मैं करवा चुकी हूं वैसे पहले ही, इसीलिए मैंने दोबारा बताया। अब यहां देखो इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन ने पूछा जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में बेटा, जेई मेंस 2020। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं नवंबर में, जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमें लिखा हुआ है, बाकी डिपेंड करेगा कोरोना की सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब देखो यहां से, तो उसने कहा है कि उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी थी बच्चों आपको, ईच रेजिस्टेंस 2 ओम फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। उसने पूछा था कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज का मतलब बच्चों, फुल्ली चार्ज का होता है कैपेसिटर टी इज इक्वल टू इंफिनिटी टाइम में, तो ये कैसे इस, मतलब इस, अब इस कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बोलो करेगा, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा रिप्लेस कर देती हूँ, अब मैं इस सर्किट को रिप्लेस, ये 2 ओम बेटा, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये है बेटा आपका, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। अब देखो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये इसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी भाई, यहां से कोई करंट आएगा ही नहीं, तो इसके अक्रॉस भी नो करंट, और जब करंट ही नहीं है तो उस रेजिस्टेंस का क्या काम, भगाओ उसको भाई, रेजिस्टेंस तो ऑब्स्ट्रक्शन का ही काम करता है ना करंट के लिए, जब इसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो इस रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई यूज बच्चों नहीं है बेटा, वहां हटा दो इसको, फेंक दो यहां से, तब आपके पास ये सर्किट बचाइए। अब सर्किट इजी है, अब आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी और ए और सी के बीच में मिल जाए, उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ए और सी पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल मिल जाए तो तुम लोग कैपेसिटर की पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ए और सी होगी बेटा, तो कैसे निकालेंगे हम यहां से, देखो ये दोनों कैपेसिटर रेजिस्टेंस किसमें है बच्चों, सीरीज में,
बात है आपका, ये 4 ओम बन जाएगा, 2 प्लस 2 कितना बन गया 4, और ये एक नीचे रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का, और ये एक और रेजिस्टेंस है बच्चों आपका 2 ओम का, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों देखो आपस में पैरेलल में, तो ये 4 क्रॉस 2, 4 प्लस 2, तो आया 8/6, तो आया 4/3, तो ये बना बेटा यहां से आपका ये 2 और ये 4/3, और ये बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट, ये सी पॉइंट है बेटा आपका, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट है। सर्किट याद रखना, ठीक है, इतना डाउट, कोई डाउट हो बताओ इतने में किसी को, नो डाउट, इतना स्क्रीनशॉट में फिर इधर डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इतने का जल्दी से। हाँ ले लिया, अब देखो यहां से इसको हटा दूं मैं, तो ये बना बच्चों यहां से आपका सीरीज, तो R कितना आ गया बच्चों 4/3 + 2, एलसीएम बच्चों 3 तो 4 + 6, तो ये आ गया 10/3। हाँ, तो अब ये सर्किट बन गया बेटा यहां से आपका, देखो अब मैं इस सर्किट को यहां उठा रही हूं, तो ये बन गया बेटा आपका 10/3, और ये बना बच्चों आपका 10 वोल्ट, तो V=IR बच्चों, तो I क्या हो जाएगा बेटा V/R, तो I आ गया बेटा आपका, V कितना है 10 और R कितना है 10/3, 10 से 10 कैंसिल बच्चों, तो आ गया 3 एम्पियर। टोटल करंट इन द सर्किट कितना फ्लो करेगा बच्चों 3 एम्पियर, टोटल करंट इन द सर्किट कितना फ्लो करेगा आपका 3 एम्पियर। अब देखो, अब आपका छोटा क्वेश्चन बन गया, जैसा कि मैंने कैपेसिटर में समझाया था, देखो यहां देखो ये 2 ओम है ना, ये सीरीज में है, ये 2 ओम और ये 4/3 किसमें है बेटा, सीरीज में, या ध्यान दो, तो इसके अक्रॉस तो कितना आएगा बच्चों 3 एम्पियर, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना आ गया 3 एम्पियर, ये खुशी गोयल के नाम से कौन है ये, इसके इधर के कौन आए बकवास करने, तेरे को भीम बनाऊं अपना कुछ बोल दूंगी मैं, रोएगा यहाँ पे, देखो बच्चों यहां से हाँ देखे यहां से, अब देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है बेटा 3 एम्पियर, करंट कितना है बेटा यहाँ पे 3 एम्पियर, अब देखो ये, अब देखो इसके अक्रॉस 3 है और ये दोनों है, अब इस पूरे के अक्रॉस में करंट कितना है 3 एम्पियर, हाँ हाँ, अब इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान करो जल्दी से, हटाओ एक बार जल्दी से, इसको हटा दूं, तो देखो यहां मैंने कैपेसिटर में भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने बताई ये चीजें, किसी ने नहीं देखा वो बात दूसरी है। V=IR, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम, ठीक है ठीक है, देखो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों सेम, तो IR बराबर कांस्टेंट, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के, सो ठीक से याद कर लो, ना याद है तो, अब ये दोनों पैरेलल में है देखो यहाँ पे, हाँ, तो जिसके अक्रॉस करंट निकालना है I1 किसके बराबर होगा बेटा, यहां से जो करंट निकालना है आपको, ये जो जिसके अक्रॉस करंट निकालना, देखो उल्टा आ जाएगा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इनवर्सली है ना, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना उससे अपोजिट ले लो, जैसे मुझे I1 निकालना है तो क्या लिखूंगी, R2/R1 + R2 इनटू टोटल करंट, और अगर मान ले मुझे I2 निकालना है तो मैं लिखूंगी R1/R1 + R2 × टोटल करंट, ये फॉर्मूला मैंने बताया था जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भेजा था उसमें, हाँ, और कैपेसिटर में भी समझाया सेम, कैपेसिटर में Q=CV की बात करी थी याद रखो, वहां पोटेंशियल सेम थी, मैं पैरेलल में बता रही हूं, तो मतलब V कांस्टेंट, मतलब पैरेलल में Q बराबर C, वहां Q1 निकालना होता था तो कर देते C
टोटल चार्ज, और Q2 निकालना होता था तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। ये सेम बात करी थी बच्चों मैंने वहां पे भी। हाँ तो अब आप निकालो यहां से, मैं डाल दूं इसको। हाँ देखिए, तो इसके अक्रॉस टोटल करंट कितना आपका 3 एम्पियर। तुम्हें इसके अक्रॉस करंट चाहिए 4 ओम के। तुम्हारा इधर करंट है I1 और इधर करंट है आपका I2, तो I1 हो जाएगा बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 3। क्या आ जाएगा 4 बाय 6 इंटू 3। 3 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 एम्पियर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 एम्पियर। सॉरी, ये इसके उल्टा वो लिख दे भाई, 2 आएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल 1 एम्पियर। अपोजिट ब्रांच लेंगे ना। हाँ हाँ देखो यहां से बेटा एक बार ध्यान से, मैंने लिखा यहाँ पे जिसमें करंट निकालना है उससे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लो। I1 निकालना है तो R2 आया यहाँ पे, I2 निकालना है तो बेटा यहाँ R1 आया आपके, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस निकालना है तुम्हें, तुम्हें किसके अक्रॉस निकालना है 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो देखो कौन सा रेजिस्टेंस लिखोगे, 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। फॉर्मूला बना आपका ये, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, टोटल करंट, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना आ गया आपका बच्चों यहां से 1 एम्पियर। कितना आ गया बेटा यहां से आपका ये 1 एम्पियर। क्लियर हो गया इतना, बताओ ये समझ आ गया नहीं आया। इसके अक्रॉस 1 एम्पियर है, देखो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि टोटल करंट तो 3 एम्पियर ही है, क्योंकि टोटल करंट तो बच्चों 3 एम्पियर ही है। अरे ये बात समझ आई या नहीं आई, एक बार स्क्रीन शॉट लो फिर मैं दोबारा से लिखती हूँ। हाँ एक बार स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, हाँ फिर मैं दोबारा से लिखती हूँ। हाँ लिख लिया, अब देखो दोबारा से, देखो यहां से अब मैं इस सर्किट को दोबारा से लिख रही हूँ। यहां से आपके पास ये सर्किट है बच्चों, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये है आपका बच्चों 2 ओम, ठीक है। हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला बेटा आपको 10/3 ओम। जब इसको सोल्व करा इस सर्किट को तो आर इक्विवेलेंट मिला आपको 10/3 ओम मिल गया, आर इक्विवेलेंट मिला आपको 10/3 ओम आपको, ठीक है। हाँ जब आपने यहां से 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसे मॉडिफाई हो गया, ये वाला जो आपको दिख रहा है अभी सामने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी को नहीं आया कोई बात नहीं। तो ये बना बेटा आपके पास ऐसे, देखो ध्यान से समझ लो आराम से आ जाएगा। ये 4 ओम, ये 2 ओम, देखो ये दोनों सीरीज में 4 ओम बन गया, ये 2 ओम और ये आपका फिर 2 ओम। इसको सोल्व करा बच्चों यहां से तो ये बन गया, ये पैरेलल में थे दोनों तो ये बन गया 4 4 इंटू 2 4 प्लस 3, तो यहाँ 8/6 4/3, तो ये बन गया 2 ओम और ये बन गया 4/3 ओम, ये बैटरी लगाई, ठीक है। तो टोटल करंट आया बच्चों आपका 3 एम्पियर, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। तो देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो ये दोनों सीरीज में 3 एम्पियर, इस 4/3 के अक्रॉस भी 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर जो है बच्चों अब यहां इन दो में डिवाइड हो रहा है। हाँ तो देखो इसमें मैंने निकाला था अभी कितना आया था बच्चों 1 एम्पियर, और इसमें कितना बच जाएगा बच्चों 2 एम्पियर। करंट समझ आ गया अक्रॉस हर ईच रेजिस्टर। तो देखो ये दोनों सीरीज में है बच्चों, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस जो ये वाला
नहीं था लेकिन मैंने फिर भी निकाल दिया। हमें यहाँ से करंट अक्रॉस इस रजिस्टर मिल गया बच्चों, यहाँ से आपको मिल गया। अब देखो उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। जब वो फुल्ली चार्ज होगा उस सिचुएशन में, हटा दूं मैं इसको, हाँ, तो हमारे पास ये सर्किट था बच्चों। हाँ हाँ अब देखो यहां से, अब यहां से देखो ये पॉइंट ए था बच्चों, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट क्या था बच्चों यहां से आपका सी था। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट बच्चों आपका सी। तो देखो ये आपका एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ था, देखो कैपेसिटर यहां ऐसे, ये वाली सिचुएशन थी ना, जो फुल्ली चार्ज होगा तो मैंने कहा बच्चों इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैंने इसको हटा दिया और पहले मैंने इस सर्किट को सॉल्व कर दिया। तो जितना करंट यहां से फ्लो करेगा उतना ही बच्चों यहां से फ्लो, क्योंकि ये ब्रांच इस ब्रांच के पैरेलल है। हाँ तो ये बन जाएगा बच्चों यहां से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ए बी सी, तो क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। पोटेंशियल डिफरेंस ए बी सी को क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस में बी सी। तो वी ए बी बच्चों इसके अक्रॉस करंट कितना है बच्चों, 1 एम्पियर। करंट कितना है बच्चों, 1 एम्पियर, तो 2 × 1। और बी सी कितना है बच्चों, 3 × 2, तो आया 2 + 6, 8 वोल्ट आ जाएगा आंसर आपका। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा बच्चों उस सिचुएशन में उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 8 वोल्ट होगा। उस सिचुएशन में वहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 8 वोल्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में या नहीं आई बताइए एक बार मेरे को इतनी बात। ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एक सेम क्वेश्चन या प्रैक्टिस कर लेना, बस लिख लो, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे 2 ओम की जगह 3 ओम कर लो, 2 ओम की जगह 3 ओम कर लो, और ये बैटरी कर लो 15 वोल्ट की। 2 ओम की जगह 3 ओम कर लो हर एक रेजिस्टर, और बैटरी कर लो 15 वोल्ट की। क्वेश्चन वही है बच्चों, When find the potential difference across the capacitor when it is fully charged. क्वेश्चन सेम है, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये आपकी प्रदीप वाली बुक में दे रखा है क्वेश्चन ना। हाँ, find the potential difference across the each resistor, sorry, potential difference across the capacitor when it is fully charged. When it is fully charged. ठीक है, हाँ नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो आज के लेक्चर का। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखती हूँ मैं आपको होमवर्क में, वो भी आप करके आना। लिखो क्वेश्चन, होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है जो मैं अभी लिख रही हूं। ये होमवर्क है, नहीं आए तो मुझे बताना सारे बच्चे, मैं करवाऊंगी फिर कल की क्लास में। ये आपके एसएल के बुक में भी दे रखा, देखना पीछे प्रॉब्लम बहुत प्रैक्टिस में है ये क्वेश्चन आपका। हाँ ये दे रखा बच्चों ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट, ठीक है, रेड पेन से दिख रहा है ना सबको। हाँ फाइनल है, लास्ट है। ये हर एक रेजिस्टेंस बच्चों 10 ओम मान लो, 10 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है ए एंड बी, और क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है बच्चों ए एंड सी।
इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, इसका भी एक करवाऊंगी, एक तुम खुद से कर लोगे। हाँ ये मैं कैपेसिटर में बहुत आराम से करवाया था, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूं रेजिस्टेंस में। आपके पास ये सीरीज बच्चों गिवन है, ये बना 2R plus X, मल्टीप्लाई कर लो 2RX
एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस आर एक्स? तो ये बना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स, या आर एक्स इधर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। इसको सॉल्व कर लोगे यहां से, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन गई। हाँ तो माइनस बी प्लस माइनस माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए। तो एक्स बराबर माइनस आर प्लस माइनस फाइव आर, रूट फाइव आर आ जाएगा डिवाइड बाय टू। तो देखो कैपेसिटेंस बच्चों रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेगा, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी बच्चों नेगेटिव, तो प्लस वाला ले लेंगे सिर्फ। तो ये बन जाएगा रूट फाइव आर माइनस आर डिवाइडेड बाई टू, तो रूट फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू आर। कर लोगे बच्चों, नोट करो इस क्वेश्चन, ये हमने पीछे भी करा हुआ है, ये हमने पीछे भी किया है बच्चों आपका, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी से बताइए, अटेंडेंस भेजिए जल्दी से। हाँ अटेंडेंस ऐड करो फटाफट। जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने अभी करवाई थी आपको, माइनस टू आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो।
देखो वैसे एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई बच्चों ये। इसको क्या कर लोगे सोल्व भाई, माइनस बी बच्चों टू, ठीक है, आर प्लस माइनस बी स्केयर, फोर आर स्केयर प्लस में आर स्केयर, बी स्केयर, बी स्केयर मतलब टू आर का स्केयर, फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फोर ए सी, तो ये आर का स्केयर, ठीक है, सही लिखा ना मैंने, ये आर आर ही आएगा बच्चे, ओनली आर कट जाएगा ना ये, हाँ तो ये आर स्केयर डिवाइड बाय टू ए, तो ये आर प्लस माइनस फाइव आर स्केयर डिवाइडेड बाय बच्चों आर, ठीक है। इसमें आप माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाला ले लेंगे बच्चों, आर प्लस रूट फाइव आर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, सॉरी आर नहीं टू है बेटा, कैंसिल नहीं, तो ये बचे, सॉरी भाई, तो ये प्लस, तो आर कॉमन ले लो, तो ये प्लस वाला लेंगे माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि रूट फाइव छोटा है आर से, है ना, तो ये बन जाएगा रूट फाइव प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट सीरीज सर्किट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिज की और आपके होल्ड सिमेट्री, आज के लिए इतना है।